हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल ही नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024-25 क्लास 11th के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और आप लोगों के बहुत सारे मैसेज और कमेंट मुझे आ रहे हैं। आप लोगों के मन में तरह तरह के डाउट्स उत्पन्न हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे वैकेंट सीट से लेकर दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंट सीट्स है, सर हम अपने डिस्ट्रिक्ट में वैकेंट सीट्स कहाँ से पता कर सकते हैं। और जिन्होंने लिस्ट देख ली है वो कह रहे हैं कि सर जनरल की तो सीट्स ही नहीं है, तो हम जनरल कैटेगरी के बच्चे क्या करें, सर अर्बन की सीट्स नहीं है, सर हमारे तो डिस्ट्रिक्ट का नाम ही नहीं आ रहा है। तो तरह तरह के सवाल दोस्तों आप लोगों के आ रहे हैं। तो दोस्तों, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स आज की वीडियो में मैं आपके कवर करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा, वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक टाइम से पहुंचाई जाती है, साथ ही जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी इस चैनल पर करवाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाने में मेरी मदद जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, नंबर ऑफ सीट्स जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सीट्स का रिजर्वेशन है वो किस हिसाब से होता है। जब आपको सीट्स का रिजर्वेशन समझ में आएगा तब आपके दोस्तों आधे से ज़्यादा डाउट तो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे कि लिस्ट में कौन से जो कैटेगरी है उसकी मतलब सीट्स दी हुई है, किसकी नहीं दी हुई है। आपको आइडिया लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा सारा चक्कर कि ये सीट्स का क्या चक्कर है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करते हैं। दोस्तों, जो सीट्स का रिजर्वेशन है वो मेनली चार आधार पर होता है, वैसे पांच होते हैं, मैं बताता हूँ आपके कौन कौन से। एक तो दोस्तों एरिया के आधार पे सीट्स का रिजर्वेशन होता है, एरिया यानी कि रूरल है या अर्बन है। दूसरा दोस्तों कैटेगरी के आधार पे सीट्स का रिजर्वेशन होता है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है या कौन सी कैटेगरी है। तीसरा दोस्तों जेंडर के आधार पर यानी बॉय है या गर्ल है, इसके आधार पर भी सीट का रिजर्वेशन होता है। उसके अलावा दोस्तों जो है एक दिव्यांग के आधार पर, अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसको भी दोस्तों अलग से कोटा मिलता है, इसकी भी रिजर्वेशन होती है। और एक दोस्तों रूरल ओपन की अलग से सीट, अलग से दोस्तों लिस्ट लगती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मेनली दोस्तों चार होते हैं और इनमें से सबसे मेन तो तीन है। कौन कौन से? एक तो एरिया की रूरल हो अर्बन हो, एक कैटेगरी कौन सी आपकी कैटेगरी है और एक जेंडर, ठीक है ना, और थोड़ा दिव्यांग को भी आप इसमें इंक्लूड करके चल सकते हैं। तो ये दोस्तों मेन है जिनके आधार पर रिजर्वेशन होती है। तो सबसे पहले एरिया की बात करें, दोस्तों एरिया की बात करें आप यहाँ पर देख सकते हो एटलीस्ट 75% सीट्स, लगभग दोस्तों कम से कम 75% सीट्स होंगी जो डिस्ट्रिक्ट की वो दोस्तों रूरल बच्चों के लिए होगी। जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों कम से कम 75% सीट्स हैं, बाकी जो 25% सीट हैं उसमें से दोस्तों दोनों रूरल और अर्बन के लिए सीट्स होती हैं। तो रूरल बच्चों का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, रूरल बच्चों के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं सिलेक्शन होने के। इसके अलावा अगर हम बात करें कैटेगरी की, तो कैटेगरी में दोस्तों आप देख सकते हो 15% सीट्स है जो वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व होती हैं, 7.5% सीट एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व होती हैं। लेकिन दोस्तों एससी और एसटी कैटेगरी में कम से कम तो 15% और 7.5% सीट्स रिजर्व हैं, यानी इन दोनों को जोड़ें तो लगभग 22-23% सीट्स हैं दोस्तों वो रिजर्व रहती हैं एसटी और एसटी के लिए। और जो मैक्सिमम दोस्तों इनमें ये नहीं है कि कितनी भी सीट्स ले सकते हैं, इनमें दोस्तों एक मैक्सिमम भी दिया हुआ है कि एससी और एसटी दोनों मिला के ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 50% सीट ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सीट्स एसटी और एससी स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 50% ही मिल सकती हैं। मिनिमम की बात करें 15% एससी कैटेगरी के लिए, 7.5% एसटी कैटेगरी के लिए सीट्स होती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए दोस्तों 27% सीट्स रिजर्व होती हैं। तो सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन दोस्तों ओबीसी स्टूडेंट्स को मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है कि जो ओबीसी स्टूडेंट्स हैं ये दोस्तों फॉर्म भरते समय भी, मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया था कि फॉर्म भरते समय भी आपको दोस्तों थोड़ा सावधानी बरतनी है। ओबीसी स्टूडेंट को रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब वो सेंट्रल लिस्ट में दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में आएगा। स्टेट लिस्ट अलग होती है दोस्तों, स्टेट के हिसाब से आप ओबीसी में हो सकते हो, लेकिन अगर आप सेंटर के हिसाब से ओबीसी में होगे तभी दोस्तों आपका जो मतलब ओबीसी वाला जो रिजर्वेशन है वो आपको मिलेगा, अदरवाइज दोस्तों आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों फॉर्म भरते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना, सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी जो कास्ट है, जो भी आपकी कास्ट है क्या वो सेंट्रल लिस्ट में भी दोस्तों ओबीसी में आती है। अगर सेंट्रल लिस्ट में भी ओबीसी में आती है तभी दोस्तों आपको अपनी जो कैटेगरी है वो फॉर्म में ओबीसी भरनी है, अदरवाइज दोस्तों आपको जनरल भरनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने
आपकी जो लिस्ट मतलब सेंट्रल लिस्ट में कास्ट तो ओबीसी में नहीं आती, लेकिन आपने फॉर्म में भर दिया ओबीसी और आपका सिलेक्शन हो गया, तो उस टाइम देना पड़ेगा आपको दोस्तों अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट। लेकिन सर्टिफिकेट आपके पास होगा नहीं, क्यों? क्योंकि सेंट्रल लिस्ट में दोस्तों आपकी कैटेगरी ओबीसी में नहीं आती। स्टेट वाला सर्टिफिकेट ले जाओगे वो चलेगा नहीं, सेंट्रल वाला आपका बनेगा नहीं, क्योंकि जब आपकी सेंट्रल लिस्ट में आती ही नहीं है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन होने के बाद भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए पहले आपको जनरल भर लेना है, ताकि अगर जनरल के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, और ऐसा हुआ है स्टूडेंट्स के साथ तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस बात का खास ध्यान रखना। तो दोस्तों अगर आप मान के चलो, देखो 27% तो दोस्तों किसके लिए होगी, ओबीसी के लिए, 15% एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए, तो इनको थोड़ा मोटा मोटा ऐड करोगे तो लगभग 48% सीट्स है दोस्तों वो कैटेगरी के हिसाब से रिजर्व रहती हैं। 52% सीट्स ऐसी हैं जिन पर कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, ठीक है ना। अब उसके बाद दो बातें हो गई, अब बात करते हैं दोस्तों जेंडर की। दोस्तों टोटल जितनी भी सीट्स होती हैं उसका 1/3, कम से कम 1/3 हिस्सा गर्ल्स के लिए दोस्तों क्या है, रिजर्व रहता है, ठीक है ना। मान लो कि चलो अगर 100 सीट्स हैं तो 100 में से दोस्तों 33 सीट्स हैं जो लड़कियों की होगी, बाकी 66 सीट लड़की प्लस लड़के दोनों में से कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। एक और दोस्तों जो अभी मैं रूरल ओपन का आपको बता रहा था, रूरल ओपन सीट का मतलब क्या है दोस्तों, ब्लॉक वाइज भी सीट एलोकेट की जाती है। अब जैसे आपको पता है एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत से ब्लॉक होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे एक ही ब्लॉक से ले लेंगे, ठीक है ना। तो ब्लॉक वाइज जो भी ब्लॉक की पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों सीट्स आवंटित की जाती है, कि इस ब्लॉक की इतने परसेंट, इसकी इतने परसेंट, इसकी इतने परसेंट, इसकी इतने परसेंट। तो वो नवोदय का अपना कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया उसके हिसाब से होती है, वो उन्होंने पब्लिश नहीं किया हुआ है, बाकी ब्लॉक के हिसाब से दोस्तों सीट्स होती हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों को दोस्तों अलग से जो है सीट्स मतलब कि रिजर्व उनके लिए होती है। अब दिव्यांग में दोस्तों जैसे कि किसी को ब्लाइंडनेस है, ठीक है ना, तो उनके लिए दोस्तों अलग से सीट्स हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ठीक है ना, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है यानी कि किसी का दोस्तों हड्डी वगैरह या जॉइंट वगैरह में दिक्कत है, तो उनके लिए दोस्तों अलग से सीट्स होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं वो आप कैसे पता कर सकते हो, ठीक है ना, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है, तो पूरा जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों एक और बात आपको बता देता हूँ, अगर आप दोस्तों नवोदय विद्यालय क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं और एक बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं जिससे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके और नवोदय में आपका सिलेक्शन हो सके, तो दोस्तों मैं एक बुक आपके लिए लेकर आया हूँ, अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों आपको NCERT बेस्ड सिलेबस मिलता है, और आपको पता है दोस्तों कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो CHS का हो, सैनिक स्कूल का हो, नवोदय विद्यालय का हो, तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बात दोस्तों इस बुक की बहुत ही खासियत है इस बुक की, ठीक है ना। इसमें दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, सोल्ड पेपर मिल जाता है, मॉक टेस्ट भी मिल जाता है। तो इस बुक को दोस्तों आप खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, ऑफलाइन भी। अगर घर बैठे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसका लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उस लिंक से आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सस्ते में चाहिए तो दोस्तों एक कूपन कोड मैं आपको बताता हूँ, PTBS10, PTBS10 कूपन कोड का अगर यूज़ करके आप इसको मंगवाओगे तो आपको दोस्तों 10% ये इसको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि थोड़ी सस्ती आपको पड़ जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको मंगवा सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं। तो दोस्तों जो वैकेंट सीट्स की जहाँ पे लिस्ट दी हुई है वो मैंने ओपन कर ली है, आप यहाँ पे देख सकते हो, नवोदय विद्यालय समिति टेंटेटिव वैकेंसी डिटेल्स फॉर फिलिंग थ्रू लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट फॉर क्लास 11th क्लास 9th ड्यूरिंग 2024-25। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है टेंटेटिव वैकेंसी, अब ये फाइनल नहीं है, यानी कि जो ये नंबर ऑफ सीट्स दी है ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना। टेंटेटिव का मतलब दोस्तों फिक्स नहीं है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि दोस्तों जो ये नंबर ऑफ सीट्स हैं ये अभी के डाटा के आधार पर है, यानी कि क्लास 8th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें जो बच्चे चले गए हैं ये नोटिफिकेशन आने से पहले तक, उन बच्चों की दोस्तों सीट्स यहाँ पे दी हुई है कि कितनी सीट्स अभी खाली हैं। अब हो सकता है इस नोटिफिकेशन के बाद और बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाएं, या क्लास 8th जब कंप्लीट होगी तो क्लास 8th कंप्लीट करके जब 9th में होते हैं तब और ज़्यादा बच्चे छोड़ के चले जाएं, तो हो सकता है सीट्स है और ज़्यादा बढ़ जाए। तो एक टेंटेटिव है, यानी कि मिनिमम इतनी तो रहेगी, एक आध सीट दोस्तों आगे पीछे भी हो सकती है, तो ये आपको मान के चलना है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों रूरल की सीट्स दी हैं, गर्ल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, डिसेबल्ड की, और टोटल सीट्स दी हैं। अब कुछ बच्चे कमेंट करके कह रहे थे सर जनरल की तो सीट्स दी ही नहीं है, तो सर हम जनरल वाले बच्चे क्या करें। देखो बच्चों, ये तो सीट्स है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल की सीट दी है तो गर्ल ही भर सकती हैं। अब सीट तो बॉय की भी नहीं दी, अब रूरल की सीट है तो इसका मतलब अर्बन वालों की सीट नहीं दी है, अब ओबीसी एसटी यहाँ पे लिख दिया यानी कि जनरल नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है। ये जो अभी मैंने आपको बताया कि जो रिजर्वड सीट होती है ना उनके बारे में आपको ये बताया गया है। जैसे दोस्तों अगर मैं फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, ध्यान से समझना फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है। जैसे मध्य प्रदेश है, इसका मैं डिस्ट्रिक्ट लेता हूँ फर्स्ट वाला, भिंड जो भी इसका नाम है, ठीक है ना।
अब इसमें दोस्तों टोटल सीट्स कितनी है, 6 सीट्स हैं, टोटल 6 सीट्स हैं। अब मैंने आपको बताया कि रिजर्वेशन है, एक तो एरिया के हिसाब से होता है, जैसे यहाँ पे रूरल है, एक दोस्तों लिंग उसके आधार पे होगा, बॉय या गर्ल के आधार पे, एक दोस्तों कैटेगरी के आधार पे होगा और एक डिसेबिलिटी के आधार पे। अब टोटल सीट्स दोस्तों इसमें 6 हैं। अगर आप दोस्तों इस डिस्ट्रिक्ट से हैं, भिंड से हैं, तो टोटल सीट्स कितनी है, 6 हैं। अब दो काम हो सकते हैं, तो आप रूरल होंगे या अर्बन होंगे। अब इन 6 में से 5 सीटें दोस्तों रूरल की हैं, ठीक है ना, तो यानी अगर रूरल हैं तो आपका बेनिफिट है, आपके लिए 5 सीटें हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों अर्बन हैं, फिर दोस्तों आपके लिए सिर्फ 1 सीट यहाँ पे दी हुई है, मतलब कि 1 सीट है जो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, अर्बन रूरल दोनों के लिए है, लेकिन एक सीट आपके लिए है, ये नहीं है कि एक भी सीट नहीं है, तो अर्बन हो तो 1 सीट आपके लिए है। इसके अलावा गर्ल की दोस्तों 1 सीट रिजर्व है, यानी अगर आप बॉय हो तो 6 में से 1 सीट तो गर्ल के लिए रिजर्व है, बाकी जो 5 सीट्स बची दोस्तों उसमें बॉयज़ और गर्ल्स कोई भी एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा इन 6 में से एक तो दोस्तों OBC के लिए रिजर्व है और एक SC के लिए, तो 6 में से टोटल 2 सीटें रिजर्व हैं, बाकी बची 4 सीटें। इन 4 सीटों पे दोस्तों कोई भी कैटेगरी का बच्चा एडमिशन ले सकता है, चाहे वो जनरल का हो, SC ST OBC किसी भी कैटेगरी का हो, तो 4 सीटें दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए भी हैं, ठीक है ना, इन 4 सीटों पे कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सीटें हो सकती हैं। अभी मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई और डिस्ट्रिक्ट लेके कोई और यहाँ पे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ राजस्थान की, बात कर लेते हैं बाड़मेर की, ठीक है ना, बाड़मेर की बात कर लेते हैं। अब बाड़मेर में दोस्तों टोटल सीट्स कितनी है, 2 हैं। अब इन 2 में से रूरल की बात करेंगे, गर्ल की बात करेंगे और कैटेगरी के हिसाब से बात करेंगे। अब इन 2 में से रूरल की है दोस्तों 1 सीट, तो अगर आप अर्बन के हो तब भी दोस्तों आपके लिए 1 सीट बची है, क्योंकि रिजर्व सिर्फ 1 है रूरल के लिए। गर्ल की दोस्तों 1 भी रिजर्व नहीं है, तो दोनों सीट पे बॉयज़ और गर्ल कोई भी एडमिशन ले सकता है। इन 2 में से दोस्तों 1 सीट है जो OBC के लिए रिजर्व है, तो 1 सीट तो दोस्तों OBC के लिए रिजर्व होगी, बाकी जो 1 सीट बची है दोस्तों उस पर जनरल कैटेगरी का SC ST OBC कोई भी एडमिशन ले सकता है, यानी कि लगभग सभी कैटेगरीज के लिए 1 सीट तो मिनिमम यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको देखना है। अब जैसे अब यूपी की बात करते हैं, एक और यहाँ पे अब ये बस्ती आ गया दोस्तों, यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। अब इस डिस्ट्रिक्ट में टोटल 1 ही सीट है, और वो 1 सीट दोस्तों एरिया के हिसाब से देखिए रूरल की है। अब यहाँ पे अर्बन वालों को दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, क्योंकि 1 ही सीट है वो भी रूरल की है, तो अर्बन वालों को भरने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप भर देना, क्योंकि हो सकता है एडमिशन के टाइम जो सीट्स है वो खाली हो जाए, बट इस नोटिफिकेशन के आधार पे देखे तो अर्बन वालों के लिए 1 भी दोस्तों सीट नहीं है। अब दोस्तों गर्ल के लिए रिजर्व तो नहीं है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल कोई भी भर सकता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद जो ये सीट है ये OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है, यानी 1 सीट है वो भी OBC वालों के लिए। तो दोस्तों जो SC हो गया, ST हो गया, जनरल हो गया, इनमें से कोई भी इसको भर नहीं सकता, कोई फ़ायदा नहीं होगा भरने का, क्यों, क्योंकि सीट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भर देना है, हो सकता है एडमिशन के टाइम सीट्स खाली हो जाए बाकी कैटेगरीज के लिए भी, ठीक है ना। तो अभी जो इस नोटिफिकेशन के आधार पे देखें तो OBC वाला बच्चा और जो रूरल बच्चा है, यानी रूरल और OBC, ऐसा बच्चा जो रूरल भी है और OBC भी है, उस बच्चे को भर के फ़ायदा है, उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। बाकी अगर SC ST वाले भरोगे, है ना, जनरल वाले भरोगे, तो उनका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि SC ST के लिए सीट ही नहीं है, ठीक है ना, 1 सीट है वो भी OBC के लिए है, जनरल के लिए भी नहीं है, तो इनका तो फायदा नहीं है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको देखना होता है। अब कुछ बच्चे को सोचते हैं कि यहाँ पे जनरल नहीं दिया तो हमारी सीट नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये रिजर्व की बात की गई है, रिजर्व टोटल में से रिजर्व माइनस कर दो, जितनी बचेगी वो आपके ही लिए है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे लिस्ट में नाम ही नहीं आया है, दोस्तों यहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं आया है जिसमें 1 भी सीट खाली नहीं है, ठीक है ना, तो जिसमें 1 भी सीट खाली नहीं है उसका यहाँ पे नाम नहीं आया है। अगर दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम नहीं है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप दोस्तों फॉर्म भर देना, ठीक है, देखो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, फॉर्म भर देना, हो सकता है, देखो पक्का नहीं है ये भी, हो सकता है एडमिशन के टाइम कोई सीट खाली हो जाए, ठीक है ना, वो आपकी किस्मत है, अदरवाइज दोस्तों आप फॉर्म तो भर देना, ठीक है ना, हो सकता है खाली हो जाए तो आपको मतलब एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज दोस्तों चलो आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा, पेपर देने का कुछ ना कुछ बेनिफिट हो गई, और क्लास 8th का सिलेबस आता है तो क्लास 8th की ही तैयारी हो जाएगी आपकी, या CHS की तैयारी हो जाएगी, या कोई और एग्जाम आप भर सकते हो, क्योंकि सैनिक स्कूल बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो भर देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे उन्हीं का दिया हुआ है जिनमें सीट्स हैं, जिनमें सीट्स खाली नहीं है उनका यहाँ पे नाम नहीं दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस ये वाली लिस्ट आपको डाउनलोड कहाँ से करनी पड़ेगी, दोस्तों ये लिस्ट है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दी है और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दी है, ये दोस्तों लिस्ट है जो नोटिफिकेशन के साथ ही दी हुई है। तो जिस भी बच्चे को ये लिस्ट नहीं मिली है वो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, वहाँ पे दोस्तों आपको अपडेट्स मिलती रहती है, कुछ चीज़ें यूट्यूब पे नहीं डालते तो वहाँ पे बता देते हैं,
तो अपडेट आपको मिलती रहती है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर दोस्तों आपको ये सभी PDFs मिल जाएंगी। स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे सारा स्टडी मटेरियल डाला हुआ है। अगर आप नवोदय विद्यालय क्लास 9th की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सभी दोस्तों टॉपिक्स के हमने एक फ्री कोर्स बनाया हुआ है आपके लिए, बिल्कुल फ्री। साइंस की वीडियो मिलेंगी, ठीक है ना, आपको मैथ्स की सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आपको दोस्तों इंग्लिश की सभी वीडियोज़ मिलेंगी, आपको हिंदी की सभी वीडियोज़ मिलेंगी, और वीडियोज़ तो मिलेगी कंसेप्चुअल थ्योरी वाली, साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया हुआ है लास्ट टाइम, और उस लास्ट टाइम भी दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन हुआ उस कोर्स से। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, कुछ वीडियोज रहते हैं, कुछ टॉपिक्स उसमें रहते हैं, वो मैं साथ के साथ अभी कंटिन्यू आपके करवा रहा हूँ। तो दोस्तों आप उसको देख सकते हो, देखोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कंटेंट में दम है या नहीं। तो दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, अगर वीडियो आपके हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और बाकियों का भी भला हो जाए और थोड़ा सा दोस्तों हमारा भी बेनिफिट हो जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।